तो गाइज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग भी ऑनलाइन गेम में एडिक्टेड हैं, ऑनलाइन गेम ज़्यादा खेलते हैं, उन लोगों को इस वीडियो से एक सबक लेनी चाहिए कि हमें ऑनलाइन गेम कभी नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि आप लोग जो ये पैसे लगाते हो कि इतने पैसे में इतना जीत जाएंगे, इतना पैसे लगाएंगे तो इतना जीत जाएंगे, ये एक लालच देने की बात होती है। बाकी आप लोगों को मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी ये पैसे लगाने से और इतना जीत जाओगे, इससे कुछ नहीं होता है। तो आप इस बंदे को देख सकते हैं, इसने पूरे 96 लाख रुपीज़ ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद कर दिए हैं। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर, ये जो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा? ऑनलाइन गेमिंग जो है। यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटर को, तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है? और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि हम डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं है? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है और लोग परेशान। तुमने कहा किससे किससे कर्ज ले लिया? मैं तो 96 लाख रुपए जानना चाहता हूँ बेटा, रकम होती है, कहाँ से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर, पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गई सर, फ्रॉड भी किए सर। तुमने फ्रॉड भी किया? यस सर, बोल रहे हैं सर, हमने फ्रॉड भी किया सर। फ्रॉड भी किया, लोगों से भी पैसे लिए, 96 लाख रुपए। पहले तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पहले तू यहाँ लग, मेरे यहाँ लग पहले। कुछ लोगों को समाज में सहानुभूति की जरूरत होती है, खड़ा करने के लिए तो कुछ जरूरत होगी ना। बिल्कुल मत रो। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो, लेकिन बच गए। नहीं सुसाइड नहीं, नहीं। घर वाले बात नहीं करना चाहते तो? घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज, और वहाँ के बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात क्या करो? सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है? बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में? कल समझाया 2 घंटे। अच्छा, टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटा तो उसके मैं जानता हूँ, मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं समझदारी के लिए बात कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, सब कुछ सोना है, ये जरूरी नहीं है। रिमोट मेरे हाथ में, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात जरूर जानना चाहता हूँ कि तुम जिससे भी बात करना चाहते हो, कोई बात करे ना करे, लेकिन मैं हूँ, मम्मी से बात करना, तुम मेरे फोन पे बात कराना, इस शो के बाद मेरे उनसे बात कराना, मैं उनका भी दुख समझ रहा हूँ। भाई मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं सर, आप चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, वेरी सीरियस इशू, प्लीज नो यू कैनॉट हेल्प। जो मैं कहूंगा वो करना होगा फिर ना। तुम रोगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रोगे, ठीक है? और तुम बात करने का ला, यहां पे सारे लोग बात करेंगे तुमसे, सारे मुद्दे पे बात करो। वो जो शब्द सुसाइड वाला इस्तेमाल किया, वो आएगे से आंदा से नहीं सर। तो मैं तो बहुत लोग बर्बाद होते हैं सर, बंद होना चाहिए सर, बंद सर। ये सर इसकी वजह से एक यूपी में पुलिस